प्रधानमंत्री जी ने इस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि आज हम सबके लिए कल का दिन बहुत खुशी का विषय है कि कल जो जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ वह कार्यक्रम भारत के संविधान के तहत पहली बार आजाद भारत में हुआ। यह बताता है संविधान की ताकत और यह बताता है धारा 370 का एब्रोगेशन का अर्थ क्या होता है। इसके पहले ओथ टेकिंग शपथ ग्रहण कार्यक्रम वो जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत होता था। पहली बार आजाद भारत में मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भी शपथ ग्रहण समारोह भारत के संविधान के अनुरूप हुआ। इस ऑब्जर्वेशन को भी हम सब लोगों ने सुना। एक प्रस्ताव में अमित शाह जी ने हम सबको ध्यान में लाया है कि 50 वर्ष इमरजेंसी को लगे हुए हुआ और 50 वर्ष पूर्व इमरजेंसी की हत्या हुई 1975 में। 2025 में हम जो प्रजातंत्र की हत्या हुई है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और ये जो संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं उनको भी उनका भी पर्दाफाश करेंगे और जनता में इस बात को बताएंगे कि किस तरीके से संविधान को कुचलने की उसके उसके मूल धाराओं को का गला घोटने का प्रयास हुआ है। इस बात को भी हम रखेंगे और ये प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा का अगले वर्ष 150वां वर्ष और उसी तरीके से भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां वर्ष और अगले साल ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे करने का सेंटेनरी सेलिब्रेशन हम मनाएंगे। और इस तरीके से हमने प्रस्ताव पारित करके इन कार्यक्रमों को एनडीए की सरकार और हमारी सभी एनडीए घटक दल के जो सदस्य हैं वो सब इनको 2025 में मनाने वाले हैं। इस रेजोल्यूशन के साथ इस बैठक में चर्चा हुई। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत में डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंडिया के साथ साथ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इस विषय को प्रधानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रखा और उन्होंने बहुत बारीकी से इस पर चर्चा की कि कैसे हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उसमें डिजिटल इंडिया में किस तरीके से हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है उसके बारे में चर्चा की। और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उन्होंने इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में किस तरीके से हमारा योगदान हो रहा है उसके बारे में चर्चा की और उसको रखने का प्रयास किया। यहां इस 5 घंटे की बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने हर विषयों पर बारीकी से चर्चा की। इसमें हम लोगों ने सामाजिक विषय भी उठाए और सामाजिक विषय के साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषय भी उठाए। टीबी मुक्त भारत हम कैसे उस ओर अग्रसर हुए हैं और उसमें प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया कि हम जन भागीदारी से इसको हम टीबी मुक्त भारत बना सकते हैं उस पर जोर दिया। उसी तरीके से पर्यावरण में हम लोगों ने जोर दिया कि हम एक पेड़ माँ के नाम यह एक जन आंदोलन के रूप में चले और यह पर्यावरण का सामाजिक आंदोलन बने इसके लिए हम लोगों ने चर्चा भी की और प्रेरणा हम अपने अपने प्रदेशों में इसको आगे बढ़ाएं इस बात को रखा गया। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने तय किया कि हम स्वच्छता अभियान उसको पूरी ताकत दे करके आगे बढ़ाने का काम करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को भी जन आंदोलन के रूप में जागृति लाने में नए नए कार्यक्रमों को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं उस पर जोर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में 11 बिंदुओं को हम सबके सामने रखा है जिसको हम आपको डिटेल प्रेस नोट में भेजेंगे। और सभी लोगों ने सभी मुख्यमंत्रियों ने और सभी उप मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक को बहुत ही सार्थक माना है और एक तरीके से नई ऊर्जा नई उमंग के साथ हम
इन लक्ष्यों को हासिल करेंगे, इसका हम लोगों ने रिजॉल्व किया है, इसका हम लोगों ने प्रण लिया है। तो मैं समझता हूं कि यह बैठक 5 घंटे जो चली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत ही सार्थक बैठक और देश को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं पर, बारीकियों पर चर्चा हुई। और मैं ये भी कहूंगा, जैसा कि हम सबका ऑब्जर्वेशन बना और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा भी, कि नॉन कांग्रेस एक कॉन्ग्लोमरेशन इतना बड़ा जो पहली बार इस तरीके से देश की प्रगति को अपने दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए एक रिजॉल्व करके आगे बढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि इस बैठक से हमारे सभी साथी पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे, यही मुझे कहना है। धन्यवाद।